हाथरस भगदड़ मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। आपको बता दें कि एसआईटी ने बीते शुक्रवार को जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी थी। इसमें 100 लोगों के बयान दर्ज किए गए थे और अब इस रिपोर्ट के आधार पर एक्शन लिया गया है और इस रिपोर्ट के आधार पर एसडीएम और सीओ के खिलाफ एक्शन हुआ है। सरकार ने दोनों को निलंबित कर दिया है। एसडीएम और सीओ समेत 6 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। ये एक्शन एसआईटी की रिपोर्ट के बाद लिया गया था। वहीं एडीजी आगरा और अलीगढ़ कमिश्नर की अगुवाई में मामले की जांच चल रही है। हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले की उच्च स्तरीय जाँच के निर्देश दिए थे। इसके लिए उन्होंने समिति भी गठित की थी। एडीजी आगरा जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ और मंडलायुक्त चेत्रा वी को एसआईटी में शामिल किया गया था। शासन की ओर से इन्हें 24 घंटे के अंदर जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया था। वैसे शासन की ओर से बीते बुधवार तक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया था, लेकिन सीएम योगी के घटनास्थल पर जाने और राहत एवं बचाव कार्य में तेजी लाने की वजह से निर्धारित समय अवधि तक जांच रिपोर्ट नहीं सौंपी जा सकती थी। इसके बाद अधिकारियों ने शासन से अपनी जांच रिपोर्ट तैयार करने के लिए 3 दिनों का अतिरिक्त समय मांगा था। अब जांच रिपोर्ट मिलने के बाद शासन की ओर से आगामी दिनों में क्या कुछ कदम उठाया जाए, इस पर सबकी नजर थी। अब इस कार्रवाई के बाद सबकी निगाहें आगे के एक्शन पर टिकी हुई हैं। बता दें कि बीते दिनों उत्तर प्रदेश के हाथरस में बाबा साकार हरि का सत्संग आयोजित किया गया था और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वैसे प्रशासन की ओर से 80,000 लोगों को मंजूरी मिली थी, लेकिन कार्यक्रम में 2.5 लाख से ज्यादा लोग शामिल हो गए। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जब लोगों के बाहर जाने का वक्त आया तो भगदड़ मच गई थी।